हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ईश्वर से प्रधानमंत्री के स्वस्थ और दीर्घ आयु होने की किया कामना, कहा चिकित्सा को मानव सेवा का बेहतर उदाहरण पेश करना चाहिए, अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं। मुख्यमंत्री ने जिला महिला चिकित्सालय का किया निरीक्षण, जिला चिकित्सालय के इंसेफ्लाइटिस वार्ड में भर्ती बच्चों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वितरित किया प्रसाद, पूछा हालचाल। अटल काव्यंजलि के रूप में शुरू हुआ सेवा सप्ताह, कुष्ठ रोगियों को मिलेगा प्राथमिकता के आधार पर आवास, 17 से 25 सितंबर तक जारी रहेगा सेवा सप्ताह। विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर जटाशंकर स्थित मंदिर में सीएम योगी ने किया पूजा अर्चना, कहा मंदिर का होगा जीर्णोद्धार। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं, जिले को ODF घोषित किए जाने सहित अन्य योजनाओं की मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की समीक्षा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री के समक्ष प्रदर्शित हुआ साउंड और लाइट का शो, अद्भुत मनोहारी दृश्य देखकर लोग हुए मंत्रमुग्ध। बेलीपार पुलिस ने अवैध शराब के धंधे में लिप्त 5 कारोबारियों को किया गिरफ्तार, भारी मात्रा में शराब बरामद, SP क्राइम तथा CO क्राइम ने किया खुलासा। 19 को आएंगे उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य संगीता तिवारी, महिलाओं के उत्पीड़न सहित अन्य बिंदुओं की करेंगी समीक्षा। महिला छात्रावास के गेट के सामने लगे गंदगी के अंबार को हटाने के लिए वार्डन से मिले छात्र, साफ सफाई कराने का किया मांग। मानवीय आधार पर कार्य करने वाले चौकी प्रभारी धर्मशाला को SSP ने किया सम्मानित, कहा पुलिस का ये सामाजिक पहल बदलेगा लोगों का नजरिया। और महानगर में धूमधाम से मनाया गया भगवान विश्वकर्मा का जन्म उत्सव, पंडालों में स्थापित हुआ भगवान विश्वकर्मा का प्रतिमा।